दोस्तों, आज के समय की सुपरहिट अभिनेत्रियों के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप 80 के दशक की सुपरहिट हीरोइनों के बारे में सब कुछ जानते हैं? इस बात की बहुत गारंटी है कि आप 80 के दशक की हीरोइन के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज इन हीरोइन का नाम बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों में शामिल है। और ऐसी एक हीरोइन है सोनम, जिनका नाम 80 के दशक की सुपरहिट हीरोइनों में लिया जाता था। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या उन्होंने अपने सफल करियर को छोड़ दिया है? आज वे कहाँ हैं, क्या करती हैं, कैसे दिखती हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इनकी शानदार अभिनय के लिए वीडियो पर लाइक तो बनता ही है। सोनम का जन्म 2 सितंबर 1972 को हुआ। सोनम के पिता का नाम मुशीर खान और माँ का नाम तलत खान था। सोनम अभिनेता रजा मुराद की भतीजी है, और सोनम का असली नाम बख्तावर खान है। इन्हें और एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम है ओए ओए गर्ल, जो कि इनके सुपरहिट सॉन्ग ओए ओए से लिया गया। सोनम ने अपने करियर की शुरुआत 1988 की फिल्म विजय से की, तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी, लेकिन इन्हें पहचान मिली 1989 की फिल्म त्रिदेव से, जहां इन्हें सुपरहिट सॉन्ग ओए ओए पर डांस करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें मिट्टी और सोना, आखिरी गुलाम, लश्कर, क्रोध और अजूबा शामिल हैं। उन्होंने 1988 से 1994 तक 30 से अधिक फिल्मों में काम किया, और 1991 में जाकर सोनम ने निर्देशक राजीव रॉय से शादी कर ली और बॉलीवुड से दूरी बनाने का निर्णय कर लिया। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने बेटे गौरव के जन्म के बाद इन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली। कुछ कारणों की वजह से 1997 में भारत छोड़ना पड़ा इन्हें, और 2001 में जाकर आपसी अनबन की वजह से ये दोनों अलग रहने लगे। 2016 में जाकर इन्होंने तलाक भी ले लिया। 2017 में जाकर सोनम ने व्यवसायी और तलाकशुदा मुरली पोडुवल से शादी कर ली। आज वो अपने इस नए जीवन में खुश हैं, और बढ़ते वक्त के साथ वो काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। अपनी अदाओं से सबको घायल करने वाली सोनम आज पहली नजर में पहचान में नहीं आती। दोस्तों, आपको इनका अभिनय कौन सी फिल्म में सबसे बेहतरीन लगा था? उस फिल्म का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।